नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार यादव। हमारा चैनल CVS स्टडी सर्किट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तथा मैं समस्त श्रोतागण, वयस्क हों, हम साथी हों या छोटे विद्यार्थी भी हों, उन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम आपको और आज से लगभग रोज ही करवाएंगे हमारे धार्मिक ग्रंथों की ठीक प्रकार से व्याख्या, क्योंकि जितना जीवन में श्रम करना आवश्यक है उतना ही उस श्रम को जानना भी आवश्यक है। आदि में कभी सृष्टि बनी होगी तो सृष्टि को संचालित कैसे किया जाए, उसके नियम क्या है, उसके कानून क्या है, क्या सिद्धांतों पर आधारित है, समाज क्या है, समाज की क्या भूमिका है, उसके लिए कुछ ग्रंथ भी बनाए गए होंगे। इसका मतलब जो ग्रंथ हैं वो उतने ही आदिम हैं, उतने ही प्राचीन हैं, जितना कि प्राचीन हमारे मानव समाज प्राचीन है, उतने ही प्राचीन धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। क्योंकि नियम तो होने चाहिए, परमात्मा तो प्रत्यक्ष होकर के नियम बताएगा नहीं, परमात्मा के रूप में ये ग्रंथ ही मुझे दिशा निर्देश करते हैं। हमारे संविधान बना है उसमें भी अधिकांश भाग हमारे धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, लेकिन हमें उसकी ठीक व्याख्या नहीं है। और कुछ चाटुकार और मक्कार लोगों ने उनसे छेड़खानी भी कर दी, इसलिए सही बात समय में नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सभी ग्रंथों में कोई ना कोई छेड़खानी हुई है, ये आपका विवेक है कि झूठ और सच को पहचानते हो कि नहीं पहचानते। यदि आप सत्य और झूठ में फर्क जानते हो तो आप झूठ को अलग कर दोगे और सच को ग्रहण कर लोगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आज पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में इस बात का बखेड़ा चल रहा है कि धार्मिक ग्रंथों में बहुत त्रुटियां आने बंद कर दो। लेकिन मैं नहीं मानता, शरीर का कोई एक अंग अगर खराब हो जाता है तो पूरे शरीर को काट के फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उस अंग का उपचार किया जाता है। ये सभी के लिए सिद्धांत अटल है, तो ये बात कैसे गलत सिद्ध हो सकती है कि अगर वो किसी धार्मिक ग्रंथ में कुछ त्रुटि है तो सारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, कोई मानता नहीं दी जाए उनकी। नहीं, उनमें जो अच्छी बात है ग्रहण कीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक कोई दृष्टांत बतौर है कि ये सृष्टि जो है वो तीन महाशक्तियां संचालित करती है, जिन्हें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण भी कह सकते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कह सकते हैं। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि को उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का कार्य संचालित करना, भगवान शंकर का कार्य उस सृष्टि का संहार करना, यानी सृष्टि में सामंजस्य भी स्थापित करना आवश्यक है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो भगवान विष्णु सारी सृष्टि का संचालन करते हैं वो ही सुबह से लेकर शाम तक ब्राह्मणों की पूजा करते रहते हैं, इसलिए आपको ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, तब न कोई मानव था न कोई जीवधारी थे, उन्हें सब बनाए। जब मानव बनाए तब मानव भी उनके अधीन हुए, तो वो मानव उनसे श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब ये बात इन्होंने अपनी फायदा के लिए लिख दी है, इसे आप अंडरलाइन कर लो, इसे मानना नहीं है। लेकिन इसका कोई संचालक है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश नाम ले दिया जाए, चाहे और नाम ले दिया जाए, अलग अलग भाषा में भगवान के अलग अलग नाम है। सारे धर्म मानते हैं, पारसी वाले अग्नि को मानते हैं, अहुर कहते हैं, सिख वाले हैं गुरु साहिब कहते हैं, इस्लाम हजरत मोहम्मद को मानते हैं, ईसा मसीह ईसाई क्रिश्चियन ईसा मसीह को मानते हैं, जैन धर्म वाले जैन अनुयायी भी 24 तीर्थकर अपने 24 भगवान मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, इसी प्रकार से हिंदू धर्म वाले मानते हैं। तो विभिन्न मतावलंबी का कोई न कोई एक सुप्रीम पावर है, उसके नाम कुछ और हो सकते हैं, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई मौला, कोई अहुर मज्जा, कोई गॉड, कोई भगवान, कोई परमात्मा, आत्मा उसे कहता, लेकिन कोई मानता है, कोई शक्ति है जो संसार को संचालित करती है। विज्ञान ने उसकी कोशिश की है लेकिन जान नहीं पाई, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी उसमें कौन सा तत्व है तो अलग हो जाता है और सारे
शरीर के तत्व बिल्कुल मृत हो जाते हैं। ये कोई जान नहीं, विज्ञान भी नहीं जान पाए। इसका मतलब जानने का विषय है और ये मूल्यवान विषय है। ये जान नहीं पाए तो जीवन व्यर्थ है। जो मूल्यवान विषय है उसी को हम जान नहीं पाए तो जानना अवश्य है, उसे गलत सिद्ध नहीं करना, उसे जानना है। तो इसके लिए हमें, मैंने विचार किया है कि मैं पहले सरल ग्रंथों का आपको उसकी व्याख्या कराऊंगा। सरल ग्रंथों में सबसे सरल रामायण है। अभी रामायण पर विवाद भी बहुत चल रहा है। रामायण और एक रामचरितमानस, रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, और लगभग वैसे ही उसका ट्रांसलेशन कह सकते हैं, लगभग मिलती जुलती। आज से 6 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामायण की रचना की उसमें लिखा उन्होंने, मैंने अपने सुख अपने आनंद के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। ये सुखांत सुखाए है, मैंने अपने आनंद के लिए इसकी रचना की है, संसार के कल्याण के लिए नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी और रामायण लिखने के बाद अपने गांव में गए थे, दुनिया में उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। पहली बात ध्यान से सुने आप सभी, सभी श्रोतागण और अपने साथियों को भी बताएं मैं क्या कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस की रचना हिंदी भाषा में अवधि में हुई। उससे पहले जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे। संस्कृत के विद्वान पढ़ाने वाले बहुत कम लोग रह गए थे, इसलिए वो एक वर्ग विशेष को ही पढ़ाया करते थे। 90% लोग विद्या से इसलिए वंचित रह जाते थे कि संस्कृत को पढ़ाने वाले लोग नहीं थे और पढ़ नहीं पाते थे लोग। जब ग्रंथों को पढ़ नहीं पाओगे तो आप उन लोगों से टक्कर कैसे ले पाओगे, उन्हें कैसे समझा पाओगे, मुझे बताएंगे, मानना पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अच्छा कार्य किया। सारे ब्राह्मण खराब नहीं थे, ब्राह्मण भी कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ चाटुकार लोग होते। उन्होंने अपनी जीविका को और समाज में दबदबा कायम करने के लिए ग्रंथों से छेड़खानी कर दी, सबने नहीं की। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कार्य बड़ा कदम बड़ा मूल्य और अहम माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संस्कृत की रचना की। इससे उन्हें बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी थी, बहुत लोगों ने कहा ये हिंदी में इन्होंने ग्रंथ कैसे लिख दिया, से मानता मत प्रदान कीजिए, बड़ा मुश्किल से मानता मैं। तो आए घर घर पढ़ना सीख गए लोग, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 7 ही कांड लिखे थे, आत्मा कांड बाद में जोड़ा गया। लवकुश कांड तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं है, तो तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं तो उस पर विवाद करना व्यर्थ है। वो किसी मक्कार आदमी ने जोड़ दिया लवकुश कांड, और उसमें भगवान श्री राम का चरित्र दूषित कर दिया कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है। एक ब्राह्मण आके ये कहता है कि आपके राज्य में, आपके पूर्वजों के काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बाप के रहते उसका पुत्र है। हे श्री राम, आपके राज्य में आपके होते हुए आप राजा हैं, तो आपके सामने मेरा पुत्र मेरे जीवित रहते हुए मर गया, ये कैसे हुआ, इस शंका का समाधान कीजिए। उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा कि शूद्र गंधमाधन पर्वत पर तपस्या कर रहा, इसलिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ी मानी गई। यानी कोई शूद्र तपस्या करता है तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शूद्र को मार के अपने धाम को पहुंचाया। तब प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हुआ और बेटा उसका जीवित हुआ। ये आख्यान आता है, तो ये आख्यान यदि सच माना जाए, यदि माना जाए, मैंने कहा तुलसीकृत रामचरितमानस जो है आप ध्यान से देखें, उसमें ये कांड है ही नहीं। लोग क्या सफाई देते, मुझे बुद्ध तो सही बात मालूम है, मुझे मुद्दा मैंने उठाया था, लेकिन रामचरितमानस में केवल 7 ही कांड माने गए। जीएस में भी अभी आता, अभी जीएस पढ़ाता भी हूँ, 7 अध्याय है, उसमें लवकुश कांड कोई अध्याय नहीं है। ये बात में लोगों ने जोड़ा, एक बात। दूसरी बात, यदि ये मान ली जाए तो
तो पहली मानता तुलसीदास जी की, एक उन्होंने संतगत को हिंदी में रूपांतरित किया, इसलिए घर घर लोग पढ़ना यहाँ पढ़ना सीख गए, ये अच्छा कार्य था। दूसरा भगवान श्री राम के बारे में देखा जाए तो भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम पुरुषों में सबसे उत्तम बताया गया। क्यों? कि उन्होंने अपने भाइयों से अथाह प्रेम किया, उनके चरित्र दुनिया में देखे जाए तो संसार में ऐसे कोई अद्वितीय भाई थे। भाइयों में भगवान श्री राम के चारों भाई अद्वितीय थे, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में ब्रह्मांड में से कोई भाई नहीं थे। एक भाई दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, और अपने माँ बाप की आज्ञा से, माँ बाप आज्ञा देना भी नहीं चाहते, पिताजी देना भी नहीं चाहते, मजबूरी समझ ली उन्होंने कि पिता, माता दिलवाना जाती पिता के द्वारा जंगल में, पिता कह नहीं पा रहे हैं, तो देखिए राज मिलना जैसे आदमी को मिल रहा था वो जंगल में चला जाता, इतना उदार हो गया था। आज भी पूरे संसार में ढूंढोगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे राज मिलते मिलते प्रधानमंत्री बनाते बनाते कंगाल कर दिया जाए, विदेशों में भेज दिया जाए, जंगलों में रहो जाके, और वो व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन न हो, और जिसने भेजा उसके प्रति और ज्यादा सौम्य और नम्य हो जाए, नम्र हो जाए, ये संभावना नहीं है। इसका मतलब राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, अगर ये बात सच है रामायण की तो, और राम अगर साधारण मनुष्य नहीं थे तो राम के मन में ये विकृति कैसे आ गई कि ये शूद्र है। पहली व्याख्या। दूसरी, भगवान श्री राम एक जंगली जाति की, कंदमूल फल खाने वाली, जंगलों में पहाड़ियों में रहने वाली महिला उसके घर जाते हैं, उसकी झोपड़ी में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, राम और लक्ष्मण सबरी से मिलते हैं, जो फुल ड्राइव थी ऐसी देवी, नीचे जो जाति स्तर माना गया है वो है शूद्र ड्राइव एसटी का, भील जाति थी, आदिम थी, वो उसके यहाँ जाते हैं और भीम भी बहुत खुश हो जाती है, और भगवान राम को प्रेम के कारण उसने मीठे बेरों को चुन चुन के, अब मीठे की पहचान कैसे हो, इसलिए चक चक के उसने बेरों को रखा था, भगवान राम को खिलाए, तो भगवान राम प्रेम से कहते, प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज से नावा, सादर जन चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठा रे, कंद मूल फल सुरस अतिथि राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, पानी जोड़ ठाड़ी भई आगे कह विधि अशुद्ध करो तुम्हारी, अधम जाति जड़ मत में भारी। वो कह रही सबरी, हे प्रभु अधम जाति, मैं बहुत ही नीची जाति की हूं, अधम जाति जड़ मत में भारी, अधम अधमत नारी, मैं बहुत ही अति नीची और मूर्ख गमार नारी हूँ, हे प्रभु मैं आपकी किस प्रकार से स्त्री करूँ, मैं आपकी सेवा करना भी नहीं जानती, आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। और भगवान राम ने प्रेम से वो झूठे बेर खाए, फिर भगवान राम क्या कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो है कैसे, बिन जल भारित देखो जैसे। विचार कीजिए चौपाई पर, भगवान श्री राम कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म और बढ़ाई, कोई ऊंचे कुल का है कोई मान ही नहीं रखता मेरी दृष्टि में, कोई निम्न कुल का है कोई उच्च कुल का, मेरी दृष्टि में दोनों समान है। जाति पाति कोई जाति माने नहीं रखती, ये ऊंची जाति की नीची जाति है, जाति पाति कुल धर्म किस कुल का है कोई माने नहीं रखता मेरी दृष्टि में, सब कुल मेरी दृष्टि में समान है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पैसे वाला गरीब है कोई मान ही नहीं रखता, भगत हीन नर सो है कहते हैं बिन जल बारित देखिए, बिना भक्ति के मनुष्य किस प्रकार से शोभा देता है, जिस प्रकार से बिना जल के वर मेघ, जिन मेघों में जल न हो वो किसी काम के नहीं उठते रहते हैं, इस प्रकार से जिस पानी में कोई भक्ति भाव नहीं है वो व्यर्थ है मेरी दृष्टि में। तो भगवान श्री राम कह रहे मैं जात पात को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं जानता, गरीब अमीर का भेद नहीं मेरी दृष्टि में, समदर्शी है वो राम, तो उनकी दृष्टि में वो सूत तपस्या करने का अधिकार नहीं, सभी मानव समान है। यहां ये बात समझ में आती है कि राम की दृष्टि में सारे मानव समान थे,
मारा क्यों? इसका मतलब कोई न कोई एक बात जरूर इसमें झूठी है, या तो ये झूठी है, ये अरण्य कांड झूठा है, या फिर लवकुश कांड झूठा है। फिर आगे देखिए, भगवान श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कर देते हैं, वो भी एक ऐसी जाति का कहने पर ऐसा राजा था, ये भी लिखा राम राज बैठे थे लोग का अस्तित्व है गए दृतों का, पूरे संसार में सारे प्राणी सुखी थे, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं था, यदि भेदभाव होता तो एक उसी एससी के कहने पर भगवान राम ने पत्नी त्याग दी थी। ऐसा दुनिया में कोई राजा हुआ है जो प्रजा के व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दे? वो राजा का कर्तव्य, राजा का जो आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया आज तक दुनिया में कोई कर नहीं पाया। तो ये तीनों बातें गलत हो गई उस एक बात के कारण। इसका मतलब, और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि वो कांडी नहीं था। ऐसी कुछ बातें कुछ वर्ग को निम्न करने के लिए, दबाने के लिए लेखकों ने लिख दी, ट्रांसलेटरों ने लिख दी। तो इस भ्रम से आप निकलिए, ये जानिए आप लोग, ये हमारा पवित्र और अच्छा ग्रंथ था जिससे घर घर भाईचारा प्रेम बढ़ता। उस ग्रंथ में कुछ बातें विकृत कर दी तो उन बातों को मैं हटा देता हूं, और जिन जाति विभेद के कुछ लोगों ने की मैं उनसे साधना रहूंगा, उनमें भी कुछ अच्छे आदमी थे, वाल्मीकि जी थे। अब ब्राह्मण पहले कोई जाति नहीं थी, कर्म के आधार पर था, कि वाल्मीकि जी तो बताते हैं मेहतर जाति के थे, और वाल्मीकि जी जो ऋषि हो गए उल्टा नाम जपा जप जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो ब्राह्मणों ने ऋषि होते ही अपने मना लिए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, और जैसे ही वो ब्रह्म ऋषि हो जाते तो ब्राह्मणों ने अपने मिला लिए। उनका एक वंश है कौशिक के नाम से जाना जाता है उन्हें, आज कौशिक ब्राह्मण है पता करें। ऐसे सैकड़ों वंश हैं, ये उनकी चालाकी रही ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा दबदबा कायम रहे। अब देखिए सूत्रों को के हर काल में, अब वनस्मृति एक खराब ग्रंथ है, ऐसे स्मृतियां माने सुन के कुछ तुक्का मार दिया, और सुन के हम बाद में कोई बात आएगी तो कहते हैं तो याद था ऐसा। सभी वर्णों को समान अधिकार है, भगवान कृष्ण ने देखिए जो निम्न जाति के ग्वाल बाल थे उनके जूठे कौर खाते हैं, भागवत में ऐसा उल्लेख है। जूठे ब्रह्मा जी को इस बात पर संदेह हुआ था, ब्रह्मा को उन्होंने हड़काया था, आज का ब्रह्मा जी आप सृष्टि को बनाने वाले, आपके मन में जातियों का विभेदन कैसे आ गया? तो ब्रह्मा जी पैरों पर गिर गए, त्रायमाम प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। टीवी पर सीरियल भी देखा होगा, भागवत देखें आप नीतिखंड। तो जो अवतारी पुरुष हुए, जो विशेष पुरुष हुए, उनके मन में कोई जातियों को वो नहीं था, ये तो बनाने वालों ने कर दिया। और वही बनाने वाला ये कहता है व्रत रखिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आप सोने का हाथी दान ब्राह्मण को कीजिए, मेरे पास खाने को दो वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है, भगवान की स्तुति करता हूँ, व्रत रखता हूँ इसलिए। और मां लिखा हुआ है कि आप सोने का हाथी दान कीजिए, गाय को सोने के सींगों को मर करके गाय को दान दीजिए, कुछ भूमि दान दीजिए तो आपकी गरीबी हो जाए, दूर हो जाएगी। ये चाटुकार लोगों ने, चापलूस लोगों ने, मक्कार लोगों ने ये बातें लिखी, ये समझ जाना चाहिए आप लोगों को। ग्रंथ गलत नहीं हो गया, कुछ चीजें उन्होंने कर दी, पूरा ग्रंथ नष्ट भ्रष्ट नहीं हो गया। अगर हमारी किसी गाड़ी में खराबी थोड़ी सी आ जाए तो पूरी गाड़ी को नष्ट कर देंगे, उस गाड़ी का इलाज उपचार कर पाएंगे, समझना होगा मुझे इस बात को। इसलिए मुझे आप लोगों को बताना कि रामचरितमानस में सातिकांड पर्याप्त है, सातिकांड हैं जो बहुत अच्छे प्रकार से लिखे गए, और रामचरितमानस में दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सारी भाषाओं का समावेश हो। रामचरितमानस में सारी भाषाओं का समावेश है। मैंने रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा ही आपको बताया, इतना ही। हाँ, कुछ चौपाइयां कुछ राम की थोड़ी है, कुछ चौपाइयां लोगों ने जोड़ भी दी, और काल और समय के अनुसार अंतर हो जाता है। एक काल में कोई बात ही विसंगति पाई जाए उसी, और दूसरे काल में वो बात ही ठीक पाई जाए। किसी काल में एक ही समय में एक समाज में बात ठीक हो और दूसरे समाज में गलत हो। हिंदू समाज में एक शादी माननी है, दूसरी शादी को मानता प्रदान नहीं की जाती। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो
अवैध माना जाता है। और जनजातियों में एक ही पत्नी के साथ पांच पांच विवाह होते हैं, प्रचलन में है वो, और वो मान्य उनके, वो धर्म धर्म के प्रतिकूल नहीं है, वो धर्म के अनुकूल मानते हैं। अपने बड़े भाई की पत्नी जो गर्भवती है उसे घोड़े में भगा के ले जाओ तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, ये मान्य है। हमारे काल में ये अमान्य, तो हमारे समाज में ये मान्य, उनके समाज में मान्य, ये समाज का ही फर्क है और काल का ही फर्क होता है। आज से बहुत पहले राजा महाराजा 100-100, 1-1 हजार महाराज सतविंद की कहीं उल्लेख मिलता है, 1 लाख रानियां थी, मान्य थी, आज माने नहीं। तो काल पर भी निर्भर करता है किसी बात का, कोई बात कभी कही गई हो सकता है उस दृष्टि में उस काल में वो सार्थक हो, आज वो बात सार्थक नहीं है, ये बात भी मुझे जान लेना है कि ये बात आज सार्थक है कि नहीं है। कभी कभी उसमें उल्लेख आया है ग्रंथों में कि मनुष्य कई पुरुष कई पुरुष पैदा हो गया, युवनाश के मानदाता पैदा हुए थे, लेकिन अब कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आदमी से ही आदमी पैदा हो जाए। तो कुछ काल की भी बातें ये भी जानना है मुझे। तो रामचरित मानस एक खुद एक आचरणबद्ध किताब है, जिसकी लोग और सादा किताब है, सभी लोग समझ सकते हैं उसे। उसमें जो टीका कर रहा है वो बात उनकी ठीक है, लेकिन वो कांड ही प्रमाणित नहीं है और वो बातें लिख दी गई जानबूझ के बाद में। ऐसे जितने शास्त्र बने वो जिस काल में रचे गए थे उसकी मूल प्रति तो आज उपलब्ध नहीं है, ये गुप्त काल में दोबारा रूपांतरण हुआ, ट्रांसलेशन हुआ था, भोजपत्र पर लिखे जाते थे, इनमें उस वक्त छेड़खानी कर दी जो मन में ऐसा कर दिया, इसलिए वो चीजें छोड़ी है जो मान्यता प्राप्त जो हमारी सही दृष्टि में नहीं आती। एक राबिया नाम की 9वीं सदी में एक भक्त हुई थी, वो अपने ग्रंथों को बाइबल को पढ़ती थी और जो बात उसमें गलत लगी उसमें एक जगह आख्यान था, भगवान गॉड जो है वो इंसान को प्रेम करता है, शैतान से नफरत करता, उसने काट दी वो बात को, गोला कर दिया कि बात सही नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में सारे बंदे हैं, उसी ने बनाए हैं, तो वो सभी से प्रेम करता, क्योंकि प्रेम की ज्वाला जब जल जाती है तो फिर किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। हम सोचते हैं मैं उससे प्रेम करता हूं, उससे नफरत करता हूं, उसका मतलब मेरे अंदर प्रेम की ज्वाला नहीं है, नफरत का भाव कम है। जब पूर्ण तरीके से प्रेम हो जाएगा हमारे मन में तो सबसे प्रेम करूंगा मैं, जब कमरे में प्रकाश हो जाएगा तो सर्वत्र प्रकाश ही होगा, कहीं अंधेरा नहीं होगा। तो जो मतलब राबिया ने एक आपने उर्दू से जो बात मानने लायक नहीं उसे मैं नहीं मानता हूं, नहीं मानूंगी, जो मानने लायक है उसी को माना जाएगा। और हम हमेशा द्वंद्व में जीते रहते हैं, हम क्या सारे मनुष्य द्वंद्व में जीते रहते हैं, ये काम कर लूं ये काम न करूं, हारी छड़ी ये बात मन में आ जाती है। मैं तो एक आख्यान बताता हूं आपको। आज से कुछ वर्ष पहले अरब में एक मुल्ला नाम का व्यक्ति रहता था, सुना भी होगा मुल्ला नसरुद्दीन, फेमस रहा है उसके नाम, उसके टीवी पर सीरियल भी आया करते थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा विद्वान थे, बड़ा अच्छे चुटकुले सुनाया करते थे। राजा ने उनसे प्रसन्न होकर के, वहां के नवाब ने, वहां के राजा ने उन्हें एक अच्छा सा सूट दिया था, कोट था, चोगा था, उन्हें दिया अच्छा सूट था। तो उन्होंने सोचा इसे कब पहनूं, कोई अच्छा अवसर आएगा तो पहना जाए इसे। अब तो तलाशते गए कोई अच्छा अवसर आए, कहीं आस पास हम पार्टी में सोचा अभी क्या पहनू, कोई अच्छा फंक्शन होगा तब पहनू। एक दिन वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक मित्र मिल गया, उसने कहा मित्र